जयपुर में सुभाष चौक इलाके में एक बाल हत्याकांड के बाद जयपुर में दहशत मची हुई। पुलिस परकोटे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए कई जतन करे, जहां लगातार लोगों से समझाइश का दौर भी जारी। वही इस मामले में एक तरफा कार्रवाई को होने के विरोध में बड़ी चौपड़ पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन जुटे। वहीं इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठन भी बड़ी चौपड़ पर पहुंचे। पुलिस का भारी जाप्ता मौके पर तैनात रहा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सादा कपड़ों में असामाजिक तत्वों पर निगाहें रखी हुई है। वहीं भाजपा सांसद दिया कुमारी, रामचरण बोरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा, राजपाल सहित तमाम भाजपा के नेता भी इस मामले को लेकर बड़ी चौपड़ धरने पर पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल टक्कर के बाद दो समुदाय के युवकों में झगड़ा हो गया। ये घटना सुभाष चौक इलाके की है। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसमें एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम इकबाल है। सूत्रों के मुताबिक मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इकबाल को गंभीर हालात में SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारपीट में मौत की जानकारी मिलते ही उसके पक्ष के लोग जुटने लगे और इससे वहां का माहौल बिगड़ गया और इस हत्या के बाद से चार दीवारी में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। माहौल बिगड़ता देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस दोनों समुदाय से शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रही है।